महिला सुरक्षा की बात कही जाए तो लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि महिला सेफ रहें और जागरूक रहें। ऐसे में वाराणसी जिले के जनसा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पे न्याय के लिए लगातार थाने के चक्कर काट रही है पीड़िता। जब मैंने उनसे बात किया तो उनका आरोप है कि बारिश हो रही थी, मैं बाजार से घर जा रही थी, बीच में ऑटो वाले ने गांव के रहने वाले मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसकी मैंने विरोध किया तो उन्होंने मारने का धमकी दिया। इसको लेकर के मैं जनसा थाने पे आज लगभग 15 दिन से चक्कर काट रही हूँ। क्या मामला है, किस तारीख का है? 28 तारीख का है मैम। हम बाजार से आ रहे थे, मार्केट से सब्जी भी लेकर, और ये टेम्पू लेकर खड़ा था। बारिश हो रहा था, बोला कि आओ अंदर बैठ जाओ, तो हमने बैठ गया, अंदर बैठ गया। फिर हमको ये मतलब गलत तरीके से छूने छाने लगा, ये सब बोलने लगा। फिर हम रोने लगे, बोला कि अगर घर पे किसको बताओगे तो तुमको जान से मार देंगे। ऐसे वैसे उसका भाई एक निज़ाम है, वो खड़ा था, बोला कि तू कर, हम देख रहे हैं। फिर हम सब देखने लगे, फिर वो उधर से मतलब कोई मतलब कि भागने लगा। क्या नाम था उसका, आप जानती हैं? निज़ाम नाम है, निसार, दोनों गांव का ही है, मेरे घर के पास का है, लगन के पास। और हम अपने मम्मी और दादी सबको चिल्लाने लगे तो भाग गया। इसकी सूचना थाने पे दिया था कि यहाँ पे भी दिया था, थाने पे भी। यहाँ पे कब दिया था बाबू? यहाँ पहले यहाँ दिए, जिस दिन हुआ था उसके भी यहाँ आए थे। यहाँ आज कई दिन हुआ? आज 28 दिन हो गया सर। 28 दिन हुआ, अभी कुछ सुनवाई हुई? क्या चाहती है? मेरा इंसान कीजिए, और क्या यही चाहते हैं कि लड़कियाँ लोग के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। कैसे पता चला, क्या हुई घटना आपके मम बेटी के साथ? हमारी बेटी चिल्लाई, हम लोग गए तो भाग गया बाजार। कौन है वो? निजाम है और निसार, दो लोग थे। हाँ, इसकी सूचना आपने किसी थाने पे दिया था? हाँ, यहाँ पे यही दिए। तो क्या सुनवाई हुई? कुछ नहीं सुनवाई। कुछ नहीं, आज फिर आई है। हाँ। तो क्या उम्मीद लगता है कि हो पाएगी सुनवाई कि नहीं? अब देखिए, अब उन लोग के हाथ में, साहब के पास आया तब देखो सुनवाई होगा। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।